नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर ने जेजेपी व निर्दलीय के सहयोग से बनने वाली बीजेपी की नई सरकार को बधाई देते हुए कहा कि खंडित जनादेश की वजह से इस तरह के फैसले लेना एकमात्र विकल्प था। उन्होंने कहा कि स्थायी सरकार बनाने व प्रदेश के हित में यही फैसला बनता था। अशोक तंवर आज सिरसा में अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे। पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। अशोक तंवर ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश में नई सरकार व सभी नव निर्वाचित विधायकों को शुभकामनाएं हैं तथा उम्मीद करते हैं कि नई सरकार प्रदेश में सभी हितों को ध्यान में रखते हुए जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला को युवा मुख्यमंत्री बनाने के लिए जेजेपी का सहयोग किया था, लेकिन अब जेजेपी से उप मुख्यमंत्री और मंत्री पर उन्हें बधाई देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा वोट किसी का तथा स्पॉट किसी की इस प्रतिक्रिया को देते हुए कहा कि यही परिस्थितियां 2009 में बनी थी और कांग्रेस ने हाथ जोड़ करके सरकार बनाई थी, यानी कहीं ना कहीं से उन्हें जोड़ तोड़ करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि ये टिप्पणी करने के बजाय मजबूत सरकार प्रदेश के हित में मजबूत व स्थायी सरकार बनाना जरूरी था। अब देखें पल पल की एक खास रिपोर्ट। मैं तो सारे विधायकों को, हरियाणा की जनता को और नई सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि अब जब सब लोगों ने मिलकर के फैसला कर लिया है तो प्रदेश में अच्छी कानून व्यवस्था हो, बेरोजगारी दूर हो, भ्रष्टाचार दूर हो, प्रदेश नई ऊंचाइयों को छुए और सबका समान तरीके से विकास हो, भेदभाव कहीं दिखाई ना दे, ये भावनाएं। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि हमारे साथियों ने और हमने सबने मिलकर के जेजेपी को समर्थन दिया था और भी अच्छे लोगों को समर्थन दिया और बहुत से साथी उसमें से जीत के आए। देखिए, ये तो समय बताएगा उनकी क्या आपस में बात हुई है, किन मुद्दों को लेकर के क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम डिसाइड हुआ है या किन मुद्दों को लेकर के उन्होंने समर्थन दिया है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि प्रदेश की जनता यही चाहती है कि स्थिरता के साथ वो सरकार चलनी चाहिए और इसीलिए जो इंडिपेंडेंस थे लोगों ने उनको भी जिताया, लेकिन वो भी बहुत से साथी भाजपा को समर्थन दे करके आए। और भी चीज़ें थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति करीबन 2009 के अंदर बनी। उस समय भी 40 विधायक कांग्रेस के आए थे, बाकी तोड़फोड़ हुई थी। अब किन कारणों से और किन परिस्थितियों में जेजेपी ने समर्थन दिया है वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब तो दिवाली मनाने का टाइम है, सब लोग दिवाली मनाएं और आगे प्रदेश की बेहतरी के बारे में सोचें। और मैं समझता हूँ कि सिरसा के लिए भी अच्छा है कि एक बार फिर सिरसा सरकार के अंदर उसकी भागीदारी आई है, चौधर में हिस्सा है। कोई बात होती है, वो बातें सारी हुई हैं और मैं समझता हूँ कि बाकी तो फैसला उनका अपना होता है। हम लोगों ने तो अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था, कोई ऐसा तो था नहीं कि हमने कोई किन्हीं कंडीशनों के ऊपर वो दिया था। हमने तो यही कहा था कि नौजवान है, अच्छे तरीके से प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, तो इन साथियों को हम मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। लेकिन वो मामला बदला, अब उनके हाथ में उप मुख्यमंत्री आए हैं, कुछ मंत्री पद आएंगे, तो तालमेल बेहतर के साथ वो सब लोग काम करें। और अभी तो मैं समझता हूँ कि दिवाली के दिन वो कल शपथ ले रहे हैं, तो हमें सबको मिल करके शुभकामनाएं उनको देनी चाहिए। बाकी कार्यकाल का आकलन वो तो समय बाद में होगा, किस तरीके से उनका काम होगा, पूरी सरकार कैसे चलेगी, अकेले किसी का बहुमत आए वो तो सबसे बेहतर होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें कई बार जो शासक होता है वो निरंकुश हो जाता है, तो इस तरह के मैंडेट के अपनी कुछ खासियत होती है और इस तरह के मैंडेट की कुछ कमजोरियां और कमियां भी रहती है। तो ये तो आगे इतिहास जज करेगा कि क्या होता है। लेकिन मैं सभी विधायकों को एक बार पुनः जो नए जीत करके आए हैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूँ
मुख्यमंत्री जी को, भाई दुष्यंत जी को, उनके परिवार को, समस्त जो साथी जिन्होंने मेहनत करी उनके लिए भी और हमारे साथियों ने भी, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। लेकिन अब जब अंत में नतीजे आ गए हैं तो हमें हकीकत से को कबूल करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि सब लोगों को मिलकर के हरियाणा की भलाई और हरियाणा के लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं ये होना चाहिए। हमें सिर्फ सत्ता के पीछे भागने के लिए राजनीतिज्ञ बने हैं, इस अवधारणा को, इस सोच को भी बदलना चाहिए। संतुष्ट है? नहीं, मैं तो संतुष्ट, मेरा तो, हमारा तो बढ़िया हो गया, जिसको हमने समर्थन दिया अधिकतर लोग जीत गया है, तो इसलिए हम तो संतुष्ट हैं। और संतुष्टि के साथ साथ जो मेहनत क्या होती है और मेहनत का इम्पैक्ट क्या होता है, प्रभाव क्या होता है, ये हमने हरियाणा की राजनीति में साबित करके दिखाया। बहुत सी सीटों पर जहाँ हमारा पलड़ा झुका वहीं मैं समझता हूँ कि उसी विधानसभा में उस पार्टी का विधायक निकल करके आया, तो ये खुशी की बात है कि कभी कोई अगर मेहनत को नज़रअंदाज करेगा तो उसका क्या असर होगा, और मेहनत का साथ अगर लेने की कोई कोशिश करेगा तो उसको किस तरीके से फायदा होगा, ये तो सब जज हो गया। अब अपना तो मुहिम ये राष्ट्र निर्माण की राष्ट्रीय मुहिम है और उसको मैं समझता हूँ कि अब आगे बढ़ाने का काम करेंगे, सब साथियों सलाह करेंगे और देश में इस तरीके से जहाँ भी अच्छे लोग होंगे उनको मैं और हमारे साथी सब लोग मिलकर के उनको आगे बढ़ाने का प्रयास हमारा जारी रहेगा। धन्यवाद। मैं तो सारे विधायकों को, हरियाणा की जनता को और नई सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि अब जब सब लोगों ने मिलकर के फैसला कर लिया है तो प्रदेश में अच्छी कानून व्यवस्था हो, बेरोजगारी दूर हो, भ्रष्टाचार दूर हो, प्रदेश नई ऊंचाइयों को छुए और सबका समान तरीके से विकास हो, भेदभाव कहीं दिखाई ना दे, ये भावनाएं। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि हमारे साथियों ने और हमने सबने मिलकर के जेजेपी को समर्थन दिया था और भी अच्छे लोगों को समर्थन दिया और बहुत से साथी उसमें से जीत के आए। देखिए, ये तो समय बताएगा उनकी क्या आपस में बात हुई है, किन मुद्दों को लेकर के क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम डिसाइड हुआ है या किन मुद्दों को लेकर के उन्होंने समर्थन दिया है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि प्रदेश की जनता यही चाहती है कि स्थिरता के साथ वो सरकार चलनी चाहिए और इसीलिए जो इंडिपेंडेंस थे लोगों ने उनको भी जिताया, लेकिन वो भी बहुत से साथी भाजपा को समर्थन दे करके आए, और भी चीज़ें थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति करीबन 2009 के अंदर बनी थी। उस समय भी 40 विधायक कांग्रेस के आए थे, बाकी तोड़फोड़ हुई थी। अब किन कारणों से और किन परिस्थितियों में जेजेपी ने समर्थन दिया है वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब तो दिवाली मनाने का टाइम है, सब लोग दिवाली मनाएं और आगे प्रदेश की बेहतरी के बारे में सोचें। और मैं समझता हूँ कि सिरसा के लिए भी अच्छा है कि एक बार फिर सिरसा सरकार के अंदर उसकी भागीदारी आई है, चौधर में हिस्सा है। कोई बात होती है, वो बातें सारी हुई हैं और मैं समझता हूँ कि बाकी तो फैसला उनका अपना होता है। हम लोगों ने तो अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था, कोई ऐसा तो था नहीं कि हमने कोई किन्हीं कंडीशनों के ऊपर वो दिया था। हमने तो यही कहा था कि नौजवान हैं, अच्छे तरीके से प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, तो इन साथियों को हम मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन वो मामला बदला, अब उनके हाथ में उप मुख्यमंत्री आए हैं, कुछ मंत्री पद आएंगे, तो तालमेल बेहतर के साथ वो सब लोग काम करें। और अभी तो मैं समझता हूँ कि दिवाली के दिन वो कल शपथ ले रहे हैं, तो हमें सबको मिल करके शुभकामनाएं उनको देनी चाहिए। बाकी कार्यकाल का आकलन वो तो समय बाद में होगा, किस तरीके से उनका काम होगा, पूरी सरकार कैसे चलेगी, अकेले किसी का बहुमत आए वो तो सबसे बेहतर होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें कई बार जो शासक होता है वो निरंकुश हो जाता है, तो इस तरह के मैंडेट के अपने कुछ खासियत होती है और इस तरह के मैंडेट की कुछ कमजोरियां और कमियां भी रहती हैं।
तो ये तो आगे इतिहास जज करेगा कि क्या होता है, लेकिन मैं सभी विधायकों को एक बार पुनः जो नए जीत करके आए हैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूं, मुख्यमंत्री जी को, भाई दुष्यंत जी को, उनके परिवार को, समस्त जो साथी जिन्होंने मेहनत करी उनके लिए भी और हमारे साथियों ने भी, उनका भी धन्यवाद करता हूं। लेकिन अब जब अंत में नतीजे आ गए हैं तो हमें हकीकत से को कबूल करना चाहिए और मैं समझता हूं कि सब लोगों को मिलकर के हरियाणा की भलाई और हरियाणा के लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं ये होना चाहिए। हमें सिर्फ सत्ता के पीछे भागने के लिए राजनीतिज्ञ बने हैं, इस अवधारणा को, इस सोच को भी बदलना चाहिए। संतुष्ट है? नहीं, मैं तो संतुष्ट, मेरा तो, हमारा तो बढ़िया हो गया, जिसको हमने समर्थन दिया अधिकतर लोग जीत गया है, तो इसलिए हम तो संतुष्ट हैं। और संतुष्टि के साथ साथ जो मेहनत क्या होती है और मेहनत का इम्पैक्ट क्या होता है, प्रभाव क्या होता है, ये हमने हरियाणा की राजनीति में साबित करके दिखाया। बहुत सी सीटों पे जहाँ हमारा पलड़ा झुका वहीं मैं समझता हूँ कि उसी विधानसभा में उस पार्टी का विधायक निकल करके आया, तो ये खुशी की बात है कि कभी कोई अगर मेहनत को नज़रअंदाज करेगा तो उसका क्या असर होगा, और मेहनत का साथ अगर लेने की कोई कोशिश करेगा तो उसको किस तरीके से फायदा होगा, ये तो सब जज हो गया। अब अपना तो मुहिम ये राष्ट्र निर्माण की राष्ट्रीय मुहिम है और उसको मैं समझता हूँ कि अब आगे बढ़ाने का काम करेंगे, सब साथियों सलाह करेंगे और देश में इस तरीके से जहाँ भी अच्छे लोग होंगे उनको मैं और हमारे साथी सब लोग मिलकर के उनको आगे बढ़ाने का प्रयास हमारा जारी रहेगा। धन्यवाद।